वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही इजीली आप घर में इसको आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दें। आइए हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। बनाने के लिए यहाँ मैंने 8 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं, इसके साइड कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। हाफ कप मैंने यहाँ दूध लिया है, फुल फैट दूध है ये। और यहाँ मैंने थोड़ी सी इलायची ली है, 5-6 इलायची के टुकड़े हैं। और थोड़ी सी यहाँ किशमिश ली है हमने। और यहाँ मैंने 30 ग्राम चीनी ली है, चाशनी बनाने के लिए चढ़ाएंगे। हमने 1.5 कप पानी लिया है, 1.5 कप में हम 30 ग्राम हमने यहाँ चीनी डाल दी है। चीनी को हम इस तरह से चला देते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इस तरह छोड़ देते हैं हम। रेडी हो रही है हमारी, जब तक हम यहाँ ब्रेड को तोड़ लेते हैं, सारे टुकड़े कर लेते हैं इसके। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छे से इसको हम इसका एक डो बनाएंगे। स्मूथ डो रेडी करना है हमें, 2 से 3 मिनट में अच्छे से स्मूथ डो रेडी कर लिया है। और हमारा हमने इसमें 1/2 कप मिल्क लिया था, इसमें हमारा 6 से 7 टीस्पून हमने दूध का यूज़ करा है, बाकी दूध बच गया है। और स्मूथ डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक एक करके गुलाब जामुन बना लेते हैं। हमें इस तरह से हथेली से दबाना है। और एक हम इसमें किशमिश रखेंगे, किशमिश ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, वरना आप वैसे भी बना सकते हैं इसको। ये देख सकते हैं, ये एक हमारी गुलाब जामुन बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हम सारी गुलाब जामुन बना लेंगे। सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं, अब हम चाशनी देख लेते हैं। ये हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसमें इलायची डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें मैं रोज़ वाटर डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट तक और इसे कुक होने देंगे। चढ़ा दिया है हमने, अब हम फ्राई कर लेते हैं एक एक करके। पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो हम स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो। इसे हम स्लो फ्लेम पर ही इसे कुक होने देंगे और हल्के ही हाथों से हम इसे हिलाते जाएंगे, पलटाते जाएंगे इस तरह से। तो मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है, हम हल्का हल्का इस तरह से उलट पलट करते रहेंगे ताकि अच्छे से सब तरफ अच्छे से कुक हो सके। अच्छा कलर आने लगा है, आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है इसका। हम अच्छे से और इसको अभी फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं। स्लो फ्लेम पर ही करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखें। कलर आ गया है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और सबको बाहर निकाल लेंगे एक एक करके। जामुन सारी हमने निकाल ली है, बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये 8 ब्रेड के स्लाइसेस में हमने 12 गुलाब जामुन बना ली हैं। अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। जब हमारा तैयार हो चुका है, हम इसमें आहिस्ता से सारी गुलाब जामुन डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा 2 मिनट तक और होने देंगे ताकि अच्छे से शुगर सिरप इसमें पहुँच सके। गैस ऑफ कर देंगे और इसी में इसको इसमें ही रहने देंगे, मिनट तक इसी में रहने देंगे। इसे 5 मिनट बाद हम सर्व करेंगे। कर लिया है और इसको मैंने गार्निश भी कर दिया है बादाम के टुकड़ों से। हमारी ब्रेड गुलाब जामुन बनके तैयार है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दें। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें आपको मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी।